And in a fresh statement, Sol Dodum has appealed to the Special Investigation Team and the Special Investigation Cell must carry out the investigations thoroughly. Addressing the media in Itanagar today, Sol Dodum said that the SIC and the SIT must investigate the cases of assault and corruption properly. And he said that the movement will be resumed again if he is dissatisfied with the investigation. Listen in. हमारा जितना भी अरुणाचल का पब्लिक जनता है उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा हम कुछ नहीं कि हमेशा बोलता है कि जितना भी मेरा तो 12 तारीख को जीत हो चुका था, लेकिन अभी जो जीता है इस बार ये जो 15 तारीख को जो जीता है वो हमारा अरुणाचल की जनता है। तो मैं आप सबको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बताना और बता के रखता हूँ कि कल को ये नहीं होना है कि मैंने नहीं बताया। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि हमारा SIT SIC लोग काम करता है और वहाँ पर बहुत काम जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी हम लोग का जितना केस है SIT और SIC लग चुका है, और मैं SIT SIC से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा केस को जाँच को अच्छा से कीजिए और जितना भी हो सकेगा ट्राई कीजिए जो सच्चाई को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में बहुत सा देखा है कि SIT लगता है SIC लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसका नतीजा कुछ नहीं आता है, लास्ट में ऐसा ही गायब हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ SIT SIC और सरकार को विश्वास करता हूँ कि वो आगे जैसे प्रॉमिस किया था वो ऐसा ही काम करेगा। अगर SIT और SIC अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो हम भी क्लियरली बता रहे हैं, सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। अभी हम लोग सरकार को कोऑपरेट करके हर चीज़ को पब्लिक बात मान रहा है। अगर SIT और SIC अगर जांच अच्छा से नहीं करता है तो हम लोग सरकार को नेक्स्ट अगर कुछ भी मूवमेंट हो तो सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। और मैं अभी कल हम SEPA जा रहा है, SEPA जाके वहाँ से हम लिस्ट लेके आएगा जो हमारा PHE एक्शन जो अपना होते हुए कितना उम्र का लोग को जो यंग जनरेशन लोग को नौकरी मिलना चाहिए था, यंग जनरेशन को नौकरी मिलना चाहिए था जो अंडर 30 ईयर्स या तो अंडर 31-32 ईयर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन बूढ़ी लोग को वो खुद का फैमिली लोग को नौकरी दिया है जो अभी वो नौकरी का हकदार नहीं है, जो 60-70 ईयर्स का दिया उसका लिस्ट को हम लेके आएगा, उसका अपन SIT को देगा। मेरा जीत तब होगा जो ऑफिसर और जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा के उसको रिटर्न करेगा या तो वो लोग जेल जाएगा, और जो ऑफिसर अपना फैमिली बूढ़ा लोग को जो ओल्ड एज लोग को नौकरी देने वाला वो लोग जेल जाएगा, वो लोग का नौकरी सस्पेंड होगा। तब मेरा जीत होगा, तब पब्लिक का जीत होगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कल को कोई भी ऑफिसर ऐसा करप्शन ना करे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करप्शन ना हो। तो इसलिए मेरा ये सीधा सीधी संदेश है कि SIT जो जांच करता है वो भी अपना बहुत अच्छा से करे। अगर SIT अच्छा से नहीं करता है तो हम ये ट्राई करेगा कि हम CBI तक मांग करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि हम अपना पीछे कभी नहीं आतेगा। हम हमेशा बोला है कि मैं पीछे नहीं आतेगा।